नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। मयूरपुर थाना क्षेत्र के पटरी ग्राम पंचायत के खंता टोला स्थित मिनी गौवा नाम से जाने वाला रेहंद बांध का एक छोर है, जो इन दिनों मिनी गौवा के नाम से बहुत ही कम दिनों में अपना पहचान बनाया हुआ है। शनिवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष की जन्मदिन की पार्टी में रेणुकूट से 40 से 45 की संख्या में लोग जन्मदिन मनाने आए थे। सभी साथी मौज मस्ती कर रहे थे। खाना खाने का जब समय हुआ तो सभी लोग अपने अपने साथियों को ढूंढने लगे। उनमें से शशिकांत कुमार पुत्र रामा शंकर सिंह कुशवाहा उनमें से गायब था। शशिकांत का दोस्त उसे ढूंढने लगा तो कुछ लोगों ने बताया कि पास में शशिकांत का कोई दोस्त है, उसके साथ सिगरेट पीने गया, जिसी दौरान शशिकांत गायब हो गया, जिसकी सभी लोगों ने बहुत खोजबीन किया पर वो कहीं नहीं मिला। बताते चलें कि शशिकांत का कपड़ा पानी के ही किनारे था और वह कब कैसे इतने लोगों के बीच लापता हो गया, यह जाँच का विषय है। मयूरपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अश्विनी त्रिपाठी ने बताया कि आज सुबह मौखिक रूप से सूचना मिली थी कि पिकनिक मनाने आए एक युवक कल से लापता है, जिसके आधार पर पानी में डूब की आशंका से मैं सुबह से ही नाव बुलाकर पानी के चारों तरफ दिखवाया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक पानी में डूबा मिला। मृतक युवक का नाम शशिकांत कुमार पुत्र रामा शंकर सिंह कुशवाहा निवासी रेणुकूट है, जिसका पैतृक आवास बिहार मोहनिया का मूल निवासी, जो रेणुकूट स्थित हिंडालको इंडस्ट्रीज में काम करता था, पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर शव का पंचनामा भर अंत्य परीक्षण के लिए दुधी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। R9 भारत के लिए मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट सोनभद्र से। बाइक व इको में हुई भड़ंत, युवक हुआ घायल। तेज रफ्तार में आ रही इको ने बाइक सवार को रौंदने का किया प्रयास, युवक बाल बाल बचा। आगरा पूरा मामला पिनहाट के बिजली घर चौराहे का है, जिसमें इको चालक द्वारा बाइक सवार को रौंदने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि बाइक सवार नरेंद्र पुत्र भीकम सिंह निवासी आयला खेरागढ़ बाल बाल बचा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार में बासोनी की ओर से आ रही इको ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इको चालक विनय कुमार इको नंबर UP85AA2307 को लेकर फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। हाँ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं यहाँ मामा के यहाँ से जा रहा था। हाँ, जोर से बोलो। मैं मामा के यहाँ से जा रहा था। हाँ, यहाँ आके पिनाट में। अच्छा, जोर से क्या है? मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई। गाड़ी चढ़ाई हुई। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है आपके? मेरे यहाँ हाथ में लगी हुई है। हाँ, पैर में लगी हुई है। अच्छा, थोड़ी लगी साइड थोड़ी। अच्छा, तो उन्होंने आप लगी हुई है। आपकी गाड़ी कैसी चल रही? सही चल रही थी ना? मेरी गाड़ी चल रही थी 15-20 की स्पीड। अच्छा जी, आपको रॉन्ग साइड ठोका हुआ है। हाँ, मैं अपनी साइड में चल रहा था और वहाँ पे मतलब मैंने बिल्कुल साइड में गाड़ी रोक ली, फिर भी उसने मतलब अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अच्छा, चढ़ाता ही चला गया गाड़ी। R9 भारत के लिए संजय सिंह तोमर की रिपोर्ट आगरा से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।